आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्लास ट्वेल्थ के बॉटनी पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इससे पहले हमने जूलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर्स को सीरीज वाइज डिस्कस किया था, लेकिन आज से हम पेपर्स को सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। पहले हम तीनों सीरीज एक्स वाई जेड के सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सी और डी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। सेक्शन वाइज डिस्कस करने से क्या होगा? सेक्शन वाइज डिस्कस करने से क्वेश्चन पैटर्न को समझने में आसानी होगी, और जो क्वेश्चंस तीनों सीरीज़ में सेम होंगे उन्हें भी रिपीट नहीं करना पड़ेगा, और इससे टाइम भी बच जाएगा। पहले देखते हैं एक्स सीरीज़ के सेक्शन ए के क्वेश्चंस। सेक्शन ए में एक मार्क्स के चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ, इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन सी, ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज सेलुलर टोटिपोटेंसी, सेलुलर टोटिपोटेंसी का मतलब होता है एक सेल से कंप्लीट इंडिविजुअल बनना, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू गिव राइज टू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज, इसके आंसर में लिखना था द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज BOD, BOD का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखते हैं वाई सीरीज के सेक्शन ए के क्वेश्चंस। वाई सीरीज के सेक्शन ए में भी एक मार्क्स के चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए के क्वेश्चंस तीनों सीरीज में डिफरेंट होते हैं, इनमें से कोई भी क्वेश्चन तीनों सीरीज में सेम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर वन, द लैक ऑपिरॉन गेट स्विच्ड ऑन व्हेन, इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन ए, लैक्टोस इज अवेलेबल एंड इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसकी मदद से फूड क्रॉप्स में न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल डेंसिटी को इंक्रीज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, नेम द बर्ड विच हैज़ रिसेंटली बिकम एक्सटिंक्ट, इसके आंसर में लिखना था डोडो बर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज पेन, पेन का फुल फॉर्म होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये स्मोक का मेजर पोल्यूटेंट है और इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट होता है आइज पे और लंग्स पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब देखते हैं सीरीज जेड के सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर वन, सिलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर AUG GUG, इनिशिएशन कोडॉन AUG GUG, मिथियोनिन वेलिन UAA UAG UGA, टर्मिनेशन कोडॉन, ये तीनों पेयर्स करेक्टली मैचड हैं, इसमें इनकरेक्ट पेयर लिखना था, इसलिए इसके आंसर में लिखना था ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज सोमैक्लोनल वेरिएशन, सोमैक्लोनल वेरिएशन उन प्लांट्स में होती है जो टिश्यू कल्चर से प्रोड्यूस किए गए हों। सोमैक्लोनल वेरिएशन की वजह से इन प्लांट्स में क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, द टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग सीड्स वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स स्पर्म्स ओवा एंड टिश्यू एट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इज कॉल्ड, इसके आंसर में लिखना था क्रायोप्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, सेक्शन बी में दो मार्क्स के तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीनों सीरीज के पेपर्स में सेक्शन बी में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं है। सीरीज एक्स सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन सीटू कंजर्वेशन, नेम सम इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डिस्क्राइब द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन ऑर्थोपोरस ओव्यूल। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट आर कॉस्मोगेमस फ्लावर्स, व्हाई डज अ क्लिस्टोगेमस फ्लावर शो ऑटोगेमी ओनली। क्वेश्चन नंबर थ्री, ऑर्पट, व्हाट इज एनिमोफिली, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर्स। अब देखते हैं वाई सीरीज के सेक्शन बी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सीटू कंजर्वेशन, नेम सम एक्सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। एक्स सीरीज में इनसीटू कंजर्वेशन का पूछा गया था, इस पेपर में एक्सीटू कंजर्वेशन का पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड अ सेलुलर एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर सेवन, और पार्ट, व्हाट इज एंटीमोफिली, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीमोफिलस फ्लावर्स।
एक्स सीरीज़ में एनिमोफिली का क्वेश्चन था, इस सीरीज़ में एंटीमोफिली का क्वेश्चन है। अब देखते हैं जेड सीरीज़ के सेक्शन बी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेम हॉट स्पॉट्स फाउंड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द वॉल्यूर्स ऑफ अ पोलन सेक फ्रॉम पेरिफ्री टू द सेंटर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द इनर मोस्ट लेयर। क्वेश्चन नंबर 7, नेम एनी टू आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 7 और पार्ट, व्हाट इज ऑर्निथोफिली, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। अब देखते हैं सेक्शन सी। तीनों सीरीज के सेक्शन सी और सेक्शन डी में सेम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 9, डीएनए मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए, एक्सप्लेन व्हाई। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर जीएमओज, व्हाट आर देयर प्रोज एंड कॉन्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर बायो कंट्रोल एजेंट्स, गिविंग एग्जांपल, शो हाउ दे कंट्रोल पेस्ट इन्फेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल इन एंजियोस्पर्म्स। क्वेश्चन नंबर 12 और पार्ट, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट्स फ्रॉम मेगास्पोर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्शन डी, तीनों सीरीज के सेक्शन डी में 5 मार्क्स के सेम 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ फ्लावर कलर इन गार्डन पी प्लांट डिफर्स फ्रॉम दैट फाउंड इन 4 o'clock प्लांट बाय शोइंग क्रॉसेज अप टू F2 जनरेशन, एक्सप्लेन व्हाई दिस डिफरेंस इज ऑब्जर्वड। क्वेश्चन नंबर 13 और पार्ट, व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, हाउ वाज इट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एंड बाय होम। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर पायोनियर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटीज, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 14 और पार्ट, व्हाट आर एंटोनियन पायरामिड्स विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल ईच, एक्सप्लेन अपराइट एंड इन्वर्टेड पायरामिड्स ऑफ नंबर, व्हाई इज द पायरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट।